हेलो फ्रेंड्स, वो कैब विद फैबुलस में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज के देखिए जो हम वर्ड्स इस एपिसोड में सीखने जा रहे हैं वो हैं आर्काइव्स, बिहेस्ट, चेस्ट, डैपल्ड, इंथ्रॉल। ओके, सो इन वर्ड्स के देखिए मीनिंग सामने लिखे हुए हैं, बट एज यूजुअल दे आर इन द जम्बल्ड वे, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम पहले इन वर्ड्स को सीखेंगे इस वीडियो में, एंड देन वी विल ट्राई टू मैच दिस पजल। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज आर्काइव। आर्काइव का मीनिंग होता है आर्काइव्स, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ड। ओके, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं जो जहाँ रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्काइव, है ना। कुछ इस तरीके से आप इसका सेंटेंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही सर्च थ्रू द आर्काइव्स फॉर प्रीवियस ओनर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो कोई घर है और वो कितना पुराना है, कौन कौन रहा है, तो यहाँ पे जाकर के आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर्काइव्स में जाकर के, तो ये देखिए पूरी पूरी लंबी लंबी ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत पुराने पुराने ये। ठीक है, तो इनको, इस पूरे सिस्टम को, सेटअप को आर्काइव बोला जाता है। ओके, सो दिस वर्ड इज़ आई होप क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिहेस्ट, BEHEST। बिहेस्ट का मीनिंग होता है किसी की रिक्वेस्ट पर कोई काम करना है, किसी के ऑर्डर पर कोई काम करना। ओके, एट द बिहेस्ट ऑफ, डूइंग समथिंग एट द बिहेस्ट ऑफ। सो पुलिस अरेस्टेड हिम एट द कोर्ट्स बिहेस्ट, दिस इज़ हाउ वी हैव यूज्ड इट इन द सेंटेंस। ठीक है, ऐसे सीन आप अक्सर देखेंगे कि पुलिस जो है किसी को अरेस्ट कर रही है, तो जनरली जो पुलिस अरेस्ट करती है वो या तो FIR के बेसिस पर करती है या फिर कोर्ट के ऑर्डर पर करती है, है ना। तो दिस इज़ जस्ट यूजेज इन द सेंटेंस, पुलिस अरेस्टेड हिम एट द कोर्ट्स बिहेस्ट। ओके, बिहेस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया, एट द रिक्वेस्ट ऑफ। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि बिहेस्ट का किस तरीके से क्या मीनिंग है। देन नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ट। चेस्ट का मतलब है प्योर होता है ये, प्योर, और ये सेक्सुअलिटी के सेंस में जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो ब्रह्मचारी, जैसे ब्रह्मचारी थे ये, तो स्वामी विवेकानंद रिमेंड चेस्ट टिल डेथ, मतलब कि इन्होंने लाइफ के एंड तक ये एकदम चेस्ट रहे, कभी भी इन्होंने सेक्स नहीं किया। ओके, अब देखिए ये एक इनकी स्टेटमेंट है जो कि मतलब कि फॉर द सेक लगा रखी है हमने, सो दैट कैन बी गुड फॉर यू टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ डैपल्ड। डैपल्ड का मीनिंग होता है स्पॉटेड, जहाँ धब्बे से लगे हुए हों, चितकबरा जिसे बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉटेड डियर आपने सुना होगा, है ना। और आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इसे, अ ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस इज देयर, राइट, दिस इज ओके। सो दिस इज़ हाउ डैपल्ड वर्ड इज देयर। देन द वर्ड इज़ इंथ्रॉल। इंथ्रॉल का मीनिंग होता है कि अट्रैक्ट करना। ओके, इफ़ समथिंग इंथ्रॉल्स यू, इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन। ठीक है, इंथ्रॉल अगर कोई चीज़ आपको कर रही है तो मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप पूरा फोकस उस पर लगा देते हैं। सो दिस इज़ द यूज इन द सेंटेंस, दिस बुक विल इंथ्रॉल रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, किसी भी बुक का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया सकता है, जैसे एक फेमस बुक मैंने उठाई है, हाफ गर्लफ्रेंड। सो दिस बुक विल इंथ्रॉल रीडर्स ऑफ ऑल एजेस, दिस इज़ हाउ द सेंटेंस इट इज़ यूज इन द सेंटेंस। सो द वर्ड इंथ्रॉल आपको समझ में आ गया, इंथ्रॉल मीन्स किसी चीज़ का बहुत अच्छा लगना। ठीक है, मज़ा आ जाना किसी चीज़ को देख करके। सो दिस इज़ हाउ वी हैव लर्नड ऑल द वर्ड्स ऑफ टुडे, और अभी हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। आर्काइव्स मैंने आपको क्या बताया था, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ड। ओके, ठीक है, देन बिहेस्ट, बिहेस्ट मैंने आपको क्या बताया था, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ समथिंग, है ना, अरेस्ट किया पुलिस ने एट द बिहेस्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। देन चेस्ट, चेस्ट का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, प्योर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी। देन डैपल्ड, डैपल्ड का मतलब था स्पॉटेड। ओके, देन इंथ्रॉल, इंथ्रॉल का मतलब था अट्रैक्ट करना, है ना। सो दिस इज़ हाउ मैच द फॉलोइंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एंड नाउ आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज। इसमें आपको क्या करना है, जो आज हमने 5 वर्ड्स सीखे हैं, 5 वर्ड्स जो हमने सीखे हैं, उसको आपको यूज करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, और वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 500 रुपीज़ का रिवार्ड प्राइस है आप लोगों के लिए। 1 महीने का आपके पास में समय है इसका आंसर देने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी पर दे सकते हैं।
एक महीने बाद हम चेक करेंगे कि किस किस ने सही आंसर दिया है, और एक से ज़्यादा सही आंसर मिलने पर हम लॉटरी के सिस्टम के जरिए हम विनर को डिसाइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।